कोलकाता आए और बिरयानी नहीं खाई तो क्या ही कोलकाता आए। और अगर हम कोलकाता के टूर पे हैं और बिरयानी नहीं बनाई तो क्या कोलकाता का टूर कवर करा, है ना जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोलकाता बिरयानी। शुरू करें, शुरू करेंगे इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। श्रीकाल की हालचाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, एंड आज आई वेलकम यू बैक टू आवर टूर ऑफ वेस्ट बंगाल विद सलोनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि सेहत भी एंड स्वाद भी, और सलोनी मस्टर्ड ऑयल बनता है अपनी ही फैक्ट्री में, तो यू कैन बी श्योर कि यू आर हैविंग प्योर एंड हेल्दी थिंग्स। तो सबसे पहले बिरयानी के लिए हम प्याज ब्राउन कर लेंगे, उसके लिए कढ़ाई गरम, कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, और कोई और मस्टर्ड ऑयल नहीं, सलोनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हमें सेहत भी चाहिए स्वाद भी चाहिए। अब जब तक सलोनी मस्टर्ड ऑयल हीट अप हो रहा है तब तक हम एक पोटली बना लेंगे चावल के लिए। उसमें सबसे पहले तेज पत्ता, साथ ही काली मिर्च, थोड़ी जावित्री, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, थोड़ा धनिया एंड साथ ही जीरा, जीरा थोड़ा ज्यादा जाएगा। अब ये पोटली उबलते हुए पानी में जाएगी और साथ ही जाएगा ढेर सारा नमक। अब ढेर सारा नमक डालने का एक रीजन ये है कि जब आप चावल पकाएंगे, चावल पकाने के बाद आप पानी ड्रेन कर देंगे तो मैक्सिमम नमक पानी में रह जाएगा, तो चावल को सीजन करने के लिए ढेर सारा नमक, तो इतना नमकीन करना है जैसे समुंदर का पानी हो, इतना नमकीन कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए, नमक ज्यादा नहीं होगा। अब इसको ढक दीजिए और पानी में अच्छा बॉयल आने दीजिए, उसके बाद ही चावल डालेंगे। तो जब तक पानी में बॉयल आ रहा है तब तक हम प्याज डाल देते हैं। सलोनी मस्टर्ड ऑयल का थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा ही रखिएगा, क्योंकि आपने सारे प्याज एक साथ डाल देने हैं। अब सारे प्याज एक साथ जाते ही टेम्परेचर एकदम से नीचे आएगा, इसीलिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा ही रखिएगा। बंगाली स्टाइल ऑफ कुकिंग में जब प्याज जल्दी ब्राउन करना होता है ना, तो प्याज के साथ ही हम थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं। चीनी डालने से ना चीनी की कैरेमलाइजेशन के साथ प्याज की कैरेमलाइजेशन तेज हो जाती है, पानी को रोरिंग बॉयल आने लग गया है, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना पानी खोल रहा है, वैसे वाले टाइप में खोल रहा है। अब इस टाइम पे चावल डाल देंगे। अब चावल को एक बारी के लिए ढक देंगे ताकि एक बारी रोरिंग बॉयल आ जाए, और उसके बाद स्लो कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, स्टार्टिंग में चावल टूटेगा नहीं। आधे चावल को हम पहले निकाल लेंगे, इनको बस 50 से 60% कुक करेंगे, बाकी ये कुक होंगे दम में। आप चाहें तो इन चावलों को फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि इनका स्टार्च जम जाए। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूंगा, बाकी के जो चावल है 2 से 3 मिनट बाद निकाल लेंगे। अब 4-5 मिनट हो चुके हैं, अब बाकी के चावल निकाले जाएंगे, उससे पहले उसकी पोटली निकाली जाएगी। प्याज फ्राई करके निकाल लिए थे, थोड़ा सा तेल भी निकाल लिया है मैंने, और वो तेल मैरिनेशन में डालेंगे। जो बरिस्ते वाला तेल होता है ना उसका अपना ही स्वाद होता है, और सबसे बड़ी बात ये सरसों का तेल है, और बंगाल और सरसों के तेल का कॉम्बिनेशन ही अलग है। साथ ही आलू भी हम उसी तेल में फ्राई करेंगे। अब ये आलू भी लगभग 50-60% के करीब कुक करना है, बाकी की कुकिंग दम में होगी। तो अब चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले दही, दही के साथ ही हल्दी, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च। कलकत्ता बिरयानी वैसे थोड़ी कम स्पाइसी होती है, बट मुझे ज्यादा स्पाइसी पसंद है, इसीलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डाल रहा हूं। साथ ही धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ठोक के, क्योंकि अगर आप धनिया पाउडर नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा, वो मीटीनेस आती है ना धनिया पाउडर से। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब इस जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैंने थोड़ी ग्रीन चिली भी डाल रखी थी, वो भी हीट देगी इस रेसिपी को। साथ ही नमक टू टेस्ट, एंड ये बरिस्ते वाला सलोनी मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा बरिस्ता,
वैसे यूजुअली जो आलू डलता है वो हाफ करके डलता है, बड़े बड़े आलू के पीसेस होते हैं, मतलब जितना आलू का पीस उतना ही अंडा हो जाता है, बट हमने 1/4 करके डाला है। उससे ये होगा कि जो फ्राइड लेयर है ना वो अच्छी क्रिस्पी आएगी। अब ये आलू निकाल लिया है, आलू निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम चिकन पका लेंगे। अभी पहले चिकन को हाई हीट पे पका लेंगे ताकि चिकन अपना पानी छोड़ने लग जाए। अभी आपको लगेगा ऑयल बहुत ज्यादा है, बट डोंट यू वरी, ये चिकन निकाला जाएगा और फिर ऑयल मोस्टली कढ़ाई में या यखनी में चला जाएगा। अगर आपका मसाला थोड़ा नीचे लग रहा है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मसाला नीचे लगेगा तो रंग ही आएगा और कैरामलाइज फ्लेवर आएगा। अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि यखनी बन जाए। अब चिकन को यखनी में पोच होने देंगे। लगभग आपने 70% के करीब पकाना है चिकन को, बाकी पकेगा दम में। अब जब तक चिकन पक रहा है तब तक एक झोल बना लेते हैं। अब कलकत्ता बिरयानी के केस में ये झोल बनेगा रिचनेस से भरपूर विद क्रीम। अब इसमें जाएगा बिरयानी मसाला, साथ ही केवड़ा, चिकन भी ऑलमोस्ट डन है। 70% मैक्सिमम कुक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। अब चिकन डन है, आलू डन है और अंडे भी उबाल रखे हैं। अब लेयरिंग करते हैं। तो लेयरिंग के लिए सबसे पहले जाएगा चिकन, चिकन के साथ ही अंडे, साथ ही फ्राइड पोटैटो। अब जिसको अंडे थोड़े से फ्राइड पसंद है तो वो फ्राइड भी करके डाल सकता है, थोड़ा झोल जाएगा इसमें। अब ये जो यखनी है, यखनी से ही फ्लेवर आएगा। अब इसके ऊपर जाएगा वो वाला चावल जो पहले निकाला था और उसके बाद वो वाले चावल जो बाद में निकाले थे। अब इसके ऊपर क्रीम का मिक्स और साथ ही केसर वाला पानी, इसके ऊपर थोड़ा धनिया और सिंस बिरयानी है तो एंड में थोड़ा सा घी। अब आटे की लोई लेंगे और उसको पतला पतला रोल कर लेंगे। अब इसको सील कर देंगे ताकि बिरयानी दम में पके। इसको कम से कम आपने 15 से 20 मिनट का दम देना है, ठीक है जी। तो 20 मिनट हो चुके हैं, एक बारी पर्दा खोल के देखते हैं क्या हाल है। बिरयानी खोलने के बाद इमिजिएटली सर्व मत कीजिएगा, 2 से 3 मिनट का वेट दीजिए उसके बाद सर्व कीजिए। एक्चुअली चावल बहुत डेलिकेट है इस टाइम पे, तो चावल को पहले अपना स्ट्रक्चर होल्ड करने दीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए। Just look at this beauty, कलकत्ता बिरयानी, वो भी लाजवाब वाली and healthy as well, क्योंकि इसमें यूज हुआ है सलोनी मस्टर्ड ऑयल, सेहत भी एंड स्वाद भी। अब what are you waiting for? जल्दी जल्दी ट्राई करो and take yourself for a tour of West Bengal. फोटो Instagram पे डालना मत भूलना, वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।